माता एवं पुत्री की वर्तमान आयु का योगफल 54 वर्ष है और 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:2 हो जाता है, तो माता की आयु कितनी होगी, यही पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, माता की आयु को x मान लेंगे, ठीक है, माता की आयु इज इक्वल टू x हो जाएगी, तो पुत्री की आयु कितनी होगी, 54 माइनस के x, ठीक है, तो 6 वर्ष बाद माता की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस के 6, और 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, 54 माइनस के x प्लस के 6, इन दोनों का अनुपात कितना दिया है, 9:2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, 2 × x + 6 और इस साइड पे 9 × 54 − x + 6 हो जाएगा, ठीक है, अभी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा और 2 × 6 = 12 हो जाएगा, ठीक है, 9 की गुना करेंगे 9 × 54 − x + 9x + 9 × 6 = 54 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, x और x को इस साइड पे ऐड कर लेंगे, ठीक है, 2x + 9x और इस साइड पे 9 की गुना करेंगे 486 हो जाएगा, ठीक है, प्लस के 54 और माइनस के इस साइड पे माइनस हो जाएगा, ये जाएगा तो इस साइड पे माइनस के 12 हो जाएगा, ठीक है, 2x और 9x कितना हो जाएगा, 11x, 11x इज इक्वल टू 486 प्लस के, इससे इसको माइनस करेंगे तो 42 हो जाएगा, ठीक है, 11x इज इक्वल टू 528 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 11 से डिवाइड करेंगे 528 डिवाइड बाई 11, ठीक है, तो 48 हो जाएगी x की वैल्यू, तो माता की आयु कितनी हो जाएगी, 48 वर्ष।